क्रिकेट से जुड़ी किसी भी खबरों के लिए SB वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। नमस्ते दोस्तों, BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप की घोषणा कर दी है। बोर्ड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि IPL 2020 के लिए ड्रीम 11 को टाइटल स्पॉन्सरशिप बनाने का फैसला लिया गया है। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो को चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बाद विरोध की वजह से इस साल हटाने का फैसला लिया गया है। फैंटेसी गेमिंग से जुड़ी कंपनी ड्रीम 11 को UAE में इस साल खेले जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने सिर्फ इस सीजन के लिए ही ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप बनाया है। 3 साल की उसकी बोली को स्वीकार नहीं किया गया है। ड्रीम 11 ने साल 2021 और 2022 के लिए कम बोली लगाई थी, जिसकी वजह से BCCI ने इसको नामंजूर कर दिया। ड्रीम 11 ने बायजू और अन अकेडमी को पछाड़ते हुए 222 करोड़ रुपए में यह डील पक्की की है। BCCI के साथ कंपनी का करार 4 महीने 13 दिन का होगा। चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो की जगह ड्रीम 11 को यह करार दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि BCCI और ड्रीम 11 3 साल के शर्त को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं और बोर्ड ने कंपनी से अगले 2 साल के लिए राशि में बढ़ोतरी करने के लिए कहा है। BCCI के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ड्रीम 11 की बोली सबसे अधिक है, लेकिन BCCI उसे 240 करोड़ रुपए में क्यों अधिकार सौंप दे, जबकि हमें अगले 2 वर्ष में COVID-19 की स्थिति में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, वीवो के साथ हमारा करार अभी भी कायम है, हमने इसे ख़त्म नहीं किया है, यहाँ बस रुका हुआ है। अगर हमें 440 करोड़ मिल रहे हैं तो हम 240 करोड़ रुपए क्यों ले। ड्रीम 11 का खेलों के साथ जुड़े कुछ सालों में बढ़ रहा है तथा अभी कुल 19 लीग से जुड़े हुए हैं, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग की 6 फ्रेंचाइजी के साथ भी उनका करार है। IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने BCCI के एक इंटरव्यू में कहा, हम ड्रीम 11 का IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में स्वागत करते हैं। ड्रीम 11 की आधिकारिक भागीदारी से टाइटल स्पॉन्सरशिप बनना ब्रांड IPL के लिए शानदार है। एक डिजिटल ब्रांड के तौर पर इससे उन्हें घर में बैठकर मैच देख रहे फैंस से ऑनलाइन जुड़ने के शानदार मौका मिलेगा। अगर वीवो वापसी नहीं करता है तो पूरी संभावना है कि BCCI 2021 और 2022 के लिए नए सिरे से बोली लगवाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे धनी बोर्ड 400 करोड़ रुपए से कम में तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और क्रिकेट जगत से जुड़ी खास खबरों के लिए SB वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।